ये वो नीतीश कुमार है जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 291 लोगों की मृत्यु हुई थी। 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के, आप किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। बिहार के लड़के पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। 26 एमपी का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य है बिहार, फैक्ट्री में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक बार फिर से जनसुराज यात्रा की शुरुआत हो गई है। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी थी और जनसुराज यात्रा को उन्होंने स्थगित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से देखिए प्रशांत किशोर एक्शन मोड में उतर चुके हैं। गांव-गांव घूमना और उनकी जो जनसुराज यात्रा है उसकी मुहिम और उसकी रथ जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में बिहार के 8 मजदूर जो बालासोर के उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है उसमें मारे गए हैं, वो लोग चेन्नई जा रहा था, कोई बंगाल जा रहा था नौकरी करने के लिए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने उन पर लेकर के जो बातें कही हैं वो हम आपको सुनाते हैं। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि हमारे आपके जीवन काल में गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग आकर बिहार में नौकरी और रोजगार करें, तब तो मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। भाई बिहार के लड़के पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। 26 एमपी का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य है बिहार, तो हमने के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर, हमने के आंखें नहीं खुल तो बदले चाहिए कि ना बदले चाहिए, बदले चाहिए कि ना। अरे तो मुंह से आवाज निकली तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, हम लोग के पूर्वज पैदा हुए। कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम आपको बता रहे हैं बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के व्यवस्था और नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। एक बार आप जब जाइएगा तो जो लड़के फैक्ट्री में, साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बातें रखी है। नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उनके समय एक हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद से नीतीश कुमार को रेल मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज देखिए कभी राजद की बागडोर पकड़ के तो कभी बीजेपी का बागडोर पकड़कर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं। 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी वो। इसके बावजूद राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के, आप किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो प्रशासक के तौर पर आप वो व्यक्ति नहीं है, राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा मानवता के आधार पर जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में हमने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 291 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार जी ने अपने पद से ये कह के इस्तीफा दिया था कि 291 लोगों की मृत्यु होने के बाद मैं इस पद पे कैसे रह सकता हूं। ये वही नीतीश कुमार है, कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए बिहार के, हम लोगों ने पूरे भारत में देखा लाखों बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे गरीब लोग। नीतीश कुमार ने अपने बंगले से बाहर निकलकर उनकी मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया। यानी कि नीतीश कुमार पर जो हमले प्रशांत किशोर लगातार करते रहते थे उन हमलों में आज कहीं ना कहीं वो प्यार जरूर दिखाए। जुड़े रहिए हमारे चैनल बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।